युवती सहित तीन महिलाओं की मौत पर गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। पैदल जा रही बारात पर चढ़ा दिया था ट्रैक्टर, चालक फरार, मालिक पकड़ा गया। बीकानेर में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर जा रहे बारातियों को कुचल दिया। हादसे में दो युवतियों सहित तीन महिलाओं की मौत हो गई। बीती रात स्थानीय जैसलमेर रोड चुंगी पर हुए इस हादसे से लोगों में रोष व्याप्त हो गया। लोगों ने विरोध स्वरूप गुरुवार को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। यहां शवों को रखा गया था। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुई एक युवती और विवाहिता सांसी परिवार से है। ये दोनों बारात में डीजे वालों के साथ लाइटिंग का काम संभालते हुए साथ चल रही थी। पार्षद अनुप गहलोत और पूर्व सरपंच अजय सिंह भाटी के नेतृत्व में सांसी समाज और अन्य लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही सांसी समाज की युवती और महिला के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं एक मृतका की बेटी छोटी है जिसकी शिक्षा का खर्च भी सरकार वहन करे। उन्होंने कहा कि डीजे वाले नियमों को ताक पर रखकर इन श्रमिक परिवारों से मजदूरी करवाते हैं, इन पर भी सख्ती होनी चाहिए। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा, एडीएम सिटी सुनीता चौधरी, एसडीएम रिया केजरीवाल, सीओ पवन भदौरिया ने लोगों से समझाइश की। बढ़ती भीड़ को देखकर तीन थानों की पुलिस भी पहुंच गई। इससे पहले रात को जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम भी हादसे की जानकारी लेने पहुंचे थे। थाना प्रभारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय जैसलमेर चुंगी पर हादसे को अंजाम देने वाले बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक निर्मल ओझा को पुलिस ने गुरुवार को पकड़ लिया। हालांकि रात से ही ट्रैक्टर चालक फरार चल रहा है। हादसे में मजदूर युवती पूनम सांसी सोनू तथा बाराती उषा सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हो गए थे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।